बच्चों की है और ये बड़े की है। बड़े हेलो गाइस, आज मैं पहुंच चुका हूं रशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज है ये बिल्डिंग। मैं रुका हूं पिथागोरस मेट्रो स्टेशन के पास और वहां से ये जो लगभग आधे घंटे की दूरी पर है। इवन पूरे रशिया से जितने भी टूरिस्ट हैं जो मॉस्को घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को एक बार देखने ज़रूर आते हैं। और ऋषभ और भूपी कुछ फोटोज लेते हुए सोच रहे कुछ कमाल की फोटोग्राफ ले ली जाए, आज कुछ क्रिएटिव किया जाए। ऐसा करो यहाँ से जंप करो, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। स्पेशल तुम्हारे और जो आप सामने देख रहे हैं वो है स्पैरो हिल्स। अब मैं जा रहा हूँ स्पैरो हिल्स, वहाँ पर है एक रोप वे जो बड़ा ही फेमस है। अभी मुझे ये भी पता लगा है एक जिप लाइन है जिसकी कॉस्ट लगभग 2500 रूबल्स के आसपास है, जो आपकी यहाँ से स्पैरो हिल्स से होकर ख़त्म होती है आपकी पिथागोरस के पास में। आई डोंट नो पिथागोरस बट आई एम नॉट श्योर, ही टोल्ड मी द डिफरेंट नेम। Let's see, but still there is a ropeway and zipline as well. एक खासियत है इस पर हिल्स की, आप यहां से मॉस्को सिटी के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। आपको जो सिटी है इतनी खूबसूरत दिखेगी, गगनचुंबी जो इमारतें हैं तो वो है वहाँ पर, आपको लगेगा कि वाकई में ये मॉस्को जो है कितना ह्यूज है, कितनी ह्यूज सिटी है ये। और वो भी यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक जो कुछ फेमस मोन्यूमेंट्स है अगर मैं उनकी बात नहीं करता हूँ तो बाकी जो सिटीज़ है, मैं हर बार मुझे लगता है मैं किसी एक नई प्लेस पर हूँ, एक नई जगह पर हूँ। फ्यू डेज बैक आई मेट अ गाय, वो यहाँ तकरीबन 8 साल से रह रहा है। मैंने उनसे पूछा कि अगर यहाँ कुछ ऐसी फेमस चीज़ है जो लोकल के बीच में फेमस है तो आप बताइए। उसने कहा कि हाँ, मुझे तकरीबन यहाँ 8 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी वो मॉस्को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इनके पास इतना स्पेस है, इतने अच्छे से सिटी को मैनेज किया हुआ है यार, तो यही एडवांटेज तो इसी चीज के लिए ना। जाओ अब ये ग्रीन, अब चलो यार देखो वहां पर क्या दिल्ली ना खा रही हो। और मैं आप पहुंच चुका हूं स्पैरो हिल्स और ये है एक बहुत ही फेमस प्लेस। और यहां पर जो व्यू है मेरे पीछे ये है मॉस्को सिटी का, वो है स्काई पार्क जिप लाइन, और मेरे इस तरफ है आपका रोप वे। जो वाइब्स है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ स्टॉल्स है, स्टॉल्स पर भी आपको कुछ यहाँ पर फूड वगैरह मिल जाएगा, फूड स्नैक्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। ये
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. नजारा बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। ये यहाँ का स्टेडियम, कुछ कंस्ट्रक्शन का जो है वर्क चल रहा है, और जो मैंने आपको बताया था वो रोप वे वहां पर है। ये जो स्पैरो हिल है बिल्कुल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, और यहाँ से आपको नज़ारे दिखते हैं पूरे मॉस्को सिटी के। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं एक केबल कार रोप वे, लेट्स सी उसके चार्जेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो डेफिनेटली वी वुड ट्राई। तो फिलहाल हम जा रहे हैं केबल कार की काउंटर की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइसेस है यहाँ पर। ये है क्या जिपलाइन की कितना रेट है? दिस वन जिपलाइन हो गया। और ये बच्चों की है और ये बड़े की है, बड़े कितने की है और बच्चे कितने की है। अच्छा, और बाकी केबल कार का क्या है प्राइस? केबल कार 400 रूबल्स, 400 रूबल आज। और वैसे कितना होता है? वैसे 200 होता था, अब पता नहीं बढ़ा दिए होंगे रेट इन्होंने। वैसे जा तो सकते हैं, बताओ क्या आज वो है ना, संडे है ना, 400 है वैसे। अच्छा, मंडे आओगे तो 100 की है। अच्छा अच्छा गाइस, अब हम जा रहे हैं शिवस रेस्टोरेंट, एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है। काफी भूख लग रही है हम सभी को, तो हमने डिसाइड किया फिलहाल हम जो है रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ अपना इंडियन अपना फूड जो है वो खाने के बाद फिर यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट डे आएंगे। सो दैट ऑब्वियसली कल भी मैं यहाँ हूँ और रुका भी बिल्कुल पास में हूँ, तो अगर 400 रूबल्स की जो है यहाँ टिकट है और कल जो है वो सिर्फ 100 रूबल्स की टिकट होगी। तो लेट्स सी, कल अगर टाइम मिलता है तो मैं यहाँ आता हूँ। जो ये रेस्टोरेंट है शिवरस रेस्टोरेंट, ये है नवा, एक मैं ये नवा तोरेस काया आई थिंक यही नाम है। नाम जो है इनके रशियन लैंग्वेज में है, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है उन्हें याद करने में भी, बट स्टिल मैप है मेरे पास, कुछ ऐप्स है वो मैंने डाउनलोड किए हुए, तो इट्स रियली लाइक ईजी फॉर मी टू ट्रैवल हेयर। और हम यहाँ भी वेट कर रहे हैं कैब का, कैब के आते ही हम चलते हैं शिवरस रेस्टोरेंट और वहाँ पर दिखाते हैं कि वो रेस्टोरेंट कैसा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं शिवरस इंडियन रेस्टोरेंट। खाना आ चुका है, बटर चिकन, कढ़ाई पनीर और बटर नान। और ये देखो, ये है बटर चिकन। ओह कैसा लग रहा है, खा के नहीं देखा ना, खाओ यार टेस्ट करो। गार्लिक नान, बटर, ये गार्लिक नान भी अब आ गए हैं। कैसा है, कैसा लग रहा है? बेहतरीन। चलो मॉस्को में इंडियन खाने का स्वाद। आहा, तो मेरी ट्रेन है 7082 मॉस्को से लेके व्लादिमीर, और ये है और ट्रैक नंबर 9 पर जो खड़ी है। चलो चलते हैं। सो गाइस, आज एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ आज प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। यह है कुस्काया रेलवे स्टेशन और ये है मेरी ट्रेन, मैं जा रहा हूँ आज व्लादिमीर।